सो गाइस देख सकते हो अभी जगशाला रेडी हो रहा है, ठीक है। अभी फोर लेयर्स हो चुका है, फोर मंजिल हो चुका है, बट अभी एक मंजिला बाकी है। सब देखो बाकी इधर का नज़ारा देखो, ये सारा कुछ भी काम चल रहा है। तो अब देख सकते हो मैं आपको अंदर का कुछ नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अभी सारा कुछ रेडी तो नहीं हुआ लेकिन बहुत जल्द रेडी हो जाएगा। सो देखो अभी मिट्टियाँ यहाँ पे डाली जा रही है, तो बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है। कुछ दिन पहले आए थे, दो चार दिन पहले तो देखिए इतना कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अभी दो चार दिन में ही इतना कुछ हो गया। तो चलो मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखाता हूँ इधर का, ठीक है, क्योंकि क्या क्या चीज़ बन चुका है और क्या क्या बनना बाकी है और कितने दिन में बन के रेडी हो जाएगा सारा कुछ। तो देखो अभी यहाँ पे गाँव के सारे लोग बैठे हुए हैं और ये कुटिया बना हुआ है, देखो ये कुटिया बना हुआ है। और बाकी इधर से देखो ये जो वहाँ तक लगा हुआ है बांस, ठीक है, यहाँ पे सारी मूर्तियों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे टोटल 108 मूर्तियाँ होंगे, ठीक है। तो बहुत ही लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है, वहाँ से लेके आप देख सकते हो बहुत ही लंबी वाली लाइन। और जैसे कि बताया जा रहा है कि अभी जो जगसा मतलब कि वो जो होता है कथावाचिका जो आने वाली यहाँ पे, ठीक है, कथावाचिका के लिए ये उधर बनाया जाएगा पंडाल, और बाकी झूला वगैरह जो भी लगेगा सारा कुछ इधर लगेगा इस एरिया में। और बाकी देख लो ये है मेन एरिया, ठीक है, इधर से मेन एरिया हुआ और बाकी इस एरिया में झूला वगैरह सारा कुछ लगने वाला है। तो बाकी अब फिलहाल देखो बहुत कुछ रेडी हो रहा है और बहुत जल्द रेडी हो जाएगा जो भी सारा कुछ बाकी है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपसे एक ही चीज़ कहना है, तो इस मेले में आके आपको बहुत ज़्यादा संख्या में आना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेले का आनंद उठाना है और साथ में बहुत सारे इन्जॉय भी करना है। यहाँ पर बहुत सारे झूला भी आने वाला है, मौत कुआं भी आने वाला है और भी बहुत कुछ जिसको आप इन्जॉय कर सको, ठीक है। तो आपको आपके एंजॉय के लिए, हमारे एंजॉय के लिए बहुत कुछ सारा साधन यहाँ पे लगाया गया है। तो बाकी आपको आना है अपने और अपने परिवार दोस्तों के साथ, मेले में आना है और मेले को खूबसूरत सा बना देना है। चलो मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ और यहाँ के कुछ लोगों से मैं आपको बात भी करवाता हूँ, आपको सारा कुछ डिटेल भी बताता हूँ कि और जो बाकी है कितने दिन में हो जाएगा और क्या क्या यहाँ का प्रोसेस है और क्या क्या साधन यहाँ पर रहने वाला है, कहीं कुछ और दिक्कतें तो नहीं आने वाली यहाँ पर। जो मेला देखने लोग आएंगे, जो इस मतलब महालक्ष्मी यज्ञ में आएंगे, उन लोगों को दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल। तो आप देखो यहाँ पे जगशाला भी फोर लेयर तक बन चुका है, फोर मंजिल तक, ठीक है। सब देखो व्यू बहुत काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। तो ये कुछ सारा कुछ अभी बन ही रहा है, तो चलो मैं आपको यहाँ के कुछ लोगों से बात करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये दसवा का काली मंदिर, ठीक है, और बाकी जो मूर्तियाँ बन रही है वो यहाँ पर बन रही मूर्तियाँ यहाँ देख रहे हो। चलो मैं आपको मूर्तियाँ भी दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें बन चुकी है, ठीक है। तो चलो मैं आपको कुछ लोगों के पास लेके चलता हूँ, वहाँ पे बात करवाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या प्रोसेस होने वाला है अभी। सो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ यहाँ के कुछ लोगों से बात करने के लिए और आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आने वाला है और क्या क्या यहाँ पर साधन होने वाला है। तो मनोज भैया बताएंगे, हमारे मनोज भैया, ठीक है, तो बताएंगे कि मेले का क्या क्या साधन होने वाला है और क्या क्या इन्जॉय यहाँ पर इन्जॉयमेंट के लिए लोगों के लिए लाया जा रहा है। देखिए मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप यहाँ आए हम लोग के पास अपना कीमती निकाल के समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ जग 1996 में एक बार हो चुका था। अच्छा। 27 साल के बाद फिर दोबारा हम लोग सभी युवा साथियों के द्वारा किया जा रहा है। ओके। तो यहाँ पर जो है हम सभी युवा में बहुत हर्ष उल्लास है और जिस तरह से बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं ये काफ़ी सराहनीय है, उसका जितना किया जाए बड़ा ही वो भी कम पड़ेगा। और काफ़ी अच्छा यहाँ माहौल है, यहाँ पर मूर्ति भी 121 को बन रहा है। कितना 121 की 108 नहीं 121 बन चुके हैं 121। हाँ। तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे, हाँ, मूर्ति जो है कि वो देवी देवताओं के होंगे, कुछ मनोरंजन के मूर्ति होंगे। अच्छा जी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, झूला रहेगा, फिर ब्रेक डांस रहेगा, तरा मची रहेंगे, जादू। अच्छा, ये मौत का कुआं भी आ रहा है क्या? जी नहीं, मौत के कुआं को आ रहा है, मौत के कुआं को हम लोग परमिशन लेने कोशिश कर रहे हैं, वो लास्ट तक हो सकता है आ भी सकता। अच्छा, अभी फाइनल नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, मतलब मनोरंजन का सादा साधन यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर रहेगा कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था बहुत अच्छा रहेंगे और हम लोग सभी ग्राम वासियों के द्वारा काफी अच्छा चारों तरफ से सुविधा दिया जा रहा है यहाँ आने जाने का। अच्छा, चारों तरफ से रोड रहेगा जिधर से आदमी आ सकते हैं। अच्छा, बाकी तो ये आपने बता दिया, तो देख सकते हैं आपने मनोज भैया से बात करके आपको पता चल गया होगा क्या क्या चीज़ें आ चुका है यहाँ पे और मतलब क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो मनोरंजन का सारा कुछ है आपको मिलने वाला साधन, तो और कुछ बताएंगे मनोज भैया कि मतलब इसमें झंडा झंझट कुछ साधन सुविधाएं सब कुछ प्रबंध सब कुछ सही रहने वाला है? नहीं, हम लोग सभी ग्रामवासी हर्ष उल्लास के साथ कर रहे हैं,
क्योंकि 27 साल के बाद दोबारा हो रहा है मेरे गांव में यज्ञ। काफी मतलब देखने का जो चीज नहीं उम्मीद किए वो भी देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 27 साल बाद हो रहा है, लेकिन हम 27 साल पहले थे नहीं इस धरती पे, तभी मेरे नजर में तो पहली बार हो रहा है। ठीक है, 27 साल पहले हम लोग भी बहुत छोटे छोटे थे। हाँ जी, तो जैसा कि फोटो दिया गया था यहाँ जो पहले हुआ था, तो उसमें भी हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। अच्छा। यानी होश नाम का नहीं था। अच्छा। लेकिन जो अभी आदमी यहाँ जो किए थे वो अभी अवेलेबल है। हाँ। मैंने ही बताया कि 1996 में हुआ था एक बार। अच्छा, जैसे कि दादाजी देखिए बैठा हुआ है यहाँ पे, दादाजी को पता होगा। दादाजी से पूछ, कब हुआ था दादाजी? 1996 में। अच्छा, आप तो इस मतलब जग के हिस्सा होंगे। अच्छा, आते जाते थे। चलिए सही है। मेरे साथी धरनी धर इससे भी कुछ कुछ है। जी 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 जी, देखते हैं यार कुछ धरनी धर सर से भी कुछ कुछ तो बताएंगे कुछ। आप अपने बारे में पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेरा नाम धरनी धर हुआ। हाँ जी। मेरे पिता का नाम मुरली मनोहर। अच्छा। दादाजी का नाम कौशल किशोर पंडित। अच्छा। यज्ञ समिति दसुआ के सक्रिय सदस्य हैं और यज्ञ दूत भी हैं। यज्ञ करवाने में हम लोग युवाओं का और बुजुर्गों का बहुत इसमें साथ और सहयोग रहा है, और खासकर जो चंदा वसूली के लिए हम लोग जाते हैं तो उनमें से बहुत सी परेशानी झेलना पड़ता है। सब मिल के यज्ञ करा रहे हैं, और जहाँ तक की बात हम सभी व्यूअर्स को बता देते हैं कि 27 मई को बहुत अच्छी तरह से कलश शोभा यात्रा निकलेगा, उसमें आप सभी को आना है और कलश शोभा यात्रा में भाग लेना है। उसमें रथ रहेगा, घोड़ा रहेगा, डीजे रहेगा, जल का साधन रहेगा, नाश्ता रहेगा और खाने का व्यवस्था भी रहेगा। इसमें सबको आना है कलश शोभा यात्रा में। और यहाँ पर तो मनोज बता ही दिए कि मनोरंजन के जो साधन होंगे उसमें जादूगर होंगे, मौत का कुआं का बात चल रहा, और रहेंगे इसमें विदेशी झूला भी रहेंगे। अच्छा। और बहुत सारे ब्रेक डांस, मीना बाजार, ये सब रहेंगे। और कथावाची का भी जो आ रही है पूज्य कृष्णा प्रिया जी, वो बनारस से चल कर आ रहे हैं। अच्छा, बनारस से आ रहे हैं जी। अच्छा। और उनका वास्तविक घर हुआ महाराष्ट्र, बनारस से चल कर आएंगे, वो रहते हैं बनारस में ही। अच्छा। तो बहुत अच्छी कथावाची का भी है, सभी ग्रामीणों के सहयोग से वो हुआ है, और यहाँ पर मेला का भी पूरा साधन रहेगा। तो आप मतलब युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे आ सकता है बिंदास होके? कोई डर कोई भय नहीं, बिंदास होके आए आए और मनोरंजन का पूरा रूप से लुत्फ उठाए, उसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कमेटी का भी पूरा साथ रहेगा आप लोगों के साथ, उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है मनोज, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को मेले के बारे में? सभी व्यूअर्स से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग 27 मई से 4 जून के बीच जरूर एक बार अवश्य आके देखें। क्रम दसवा पोस्ट के सर जिला बांका के अंतर्गत आते हैं ये, इसलिए आप लोग एक बार अवश्य पधारें। और एक बार ये भी बोल दीजिए कि अपना केसर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सभी व्यूअर से एक बार अपील है कि आप ये केसर चैनल, अपना केसर के नाम से एक चैनल है, उनको सब्सक्राइब कर लें। क्यों? अपना केसर से चैनल, हाँ, इसको अवश्य आप लोग सब्सक्राइब करें और देखें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अपना खेसर जो है एक उभरता हुआ है, यहाँ पे अपना खेसर में जो भी सारा कुछ एरिया आएगा सबको कवर करके उसमें डाला जाता है। ठीक है, वो किसी का पर्सनली अपना खेसर में हर एक कोई आता है, हर एक लोग आता है। ठीक है, तो ये चैनल बहुत जल्दी ग्रो करना चाहिए। ठीक है, करेगा भी। तो बाकी चलते हैं और आगे मूर्तियों का दर्शन करवाते हैं। ओके, फिलहाल तो देखो अभी मूर्तियाँ रेडी नहीं हुई है तो मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता। ठीक है, क्योंकि जब तक रेडी नहीं हुआ तो पूरा नहीं दिखा सकता। तो बाकी आप देख सकते हो यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा देख लो। ठीक है, बाकी इतना ही है। आई होप गाइस आपने एंजॉय करा होगा यहाँ का जो भी सारा कुछ है प्रोसेस मैंने दिखाया आपको। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवा दो, और साथ में इस चैनल को शेयर कर देना और वीडियो को भी शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में।